नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। क्यों फेल हुई आमिर साहब की फिल्म लाल सिंह चड्ढा? दर्शकों को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाए आमिर साहब की फिल्म लाल सिंह चड्ढा? क्यों इस तरीके से बॉक्स ऑफिस फिगर्स सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये आमिर साहब की फिल्म है? आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दो दोस्तों, तो ये वो व्यू पॉइंट्स हैं, ये वो बातें हैं जो कि जनता ने मुझे बताई। आपको तो पता है कि मैं जनता के बीच में जाता हूं, उनसे सवाल जवाब करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और उसी बातचीत का निचोड़ आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा मेजर कारण था बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आमिर साहब ने 2015 में दोस्तों जो बात बोली थी कि किरण ने मुझे एक रात ऐसा बोला और ये बोला वो बोला कि हम इंडिया में सुरक्षित नहीं है, भारत में हमारा जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर दर्शकों के बीच में दोस्तों एक घनी प्रक्रिया निकली। जी हाँ, प्रतिक्रिया ऐसी थी जहां पर लोगों ने बॉयकॉट शब्द का ज्यादा उपयोग किया और उन्होंने उस चीज को बहुत सीरियसली भी लिया। उसके बाद आमिर साहब का टर्किश लेडी को लास्ट ईयर मिलना और साथ ही साथ दोस्तों काफी सारी चीजें ये लाल सिंह चड्ढा को गिराने के लिए सामने आ गई। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह मानते हैं दोस्तों, इस फिल्म को बॉयकॉट झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को आमिर साहब के काम को बॉयकॉट झेलना पड़ा, इट्स जस्ट बिकॉज आमिर साहब ने पास में जो चीजें बोली थी उस चीज को लेकर, हालांकि साहब ने सॉरी भी बोल दिया दोस्तों, लेकिन क्या करें, भारत की जनता है और जनता जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल एडेप्टेशन थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों तो काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉरेस्ट गंप का। अगर वो फॉरेस्ट गंप बना तो उसके पीछे उसकी लेडी लव का हाथ था, समझ रहे हैं? यहां पर हमारा जो फॉरेस्ट गंप बनता है, यानी कि हमारा जो लाल सिंह चड्ढा बन रहा है, उसके पीछे भी लेडी का हाथ है, उसकी माँ का हाथ है और उसकी प्रेमिका, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डालती। जी हाँ, मैं अभी हाल ही में अभी आज ही के दिन एक दर्शक से बात कर रहा था दोस्तों, तो कल के दिन, सॉरी माफी चाहूंगा, तो उसने ये बात बोली थी। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी बड़ी वजह वो है फिल्म को इतना लंबा कर देना, अननेसेसरी का प्लॉट खींच देना। ये बात तो मैंने अपने रिव्यू में भी बताई कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, टाइट है, आपको हंसाता है, आपको इमोशनल करता है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत लंबा खींचा गया है, कई पोर्शन पे एडिट हो सकता था। इसी से जुड़ी हुई एक बात बताता हूं, मैंने उन महाशय का एक रिव्यू भी लिया है, आपने अगर देखा होगा तो चैनल में, तो वो बंदे कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के सेकेंड हाफ में आमिर खान अपने सिर्फ एक्टिंग दिखाना चाह रहे थे कि मैं कितना बड़ा मेथड एक्टर हूं, बाकी के सारे लोग जो है वो इधर उधर ही थे, लेकिन आमिर साहब को अपनी एक्टिंग दिखानी थी, इसलिए उन्होंने फिल्म में इतने लंबे लंबे मोनोलॉग, इतनी चीजें जो है रखी। चौथी सबसे बड़ी वजह, फेस्टिवल का टाइम, और फेस्टिवल के टाइम पे इस तरीके की एक फिल्म जो कि कलरलेस है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुझे ये बात बोली थी कि कलरलेस है फिल्म। मैंने अभी रात को रिव्यू लिया था अगर आपको याद होगा तो उन्होंने मुझसे जब बात करी थी तो उन्होंने कहा कि फिल्म कलरलेस है। जो फेस्टिवल के टाइम पे माहौल होता है उस माहौल में लाल सिंह चड्ढा फिल्म कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी डालती है। अब ये तो मुझे आपको बताना है, कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको भी ऐसा लगा क्या कि नहीं। और दोस्तों यही वजह है कि 12 करोड़ कमाना आमिर साहब के लिए, इनसे ज्यादा कार्तिक आर्यन ने कमाए थे 14 करोड़ भूल भुलैया के लिए। हालांकि कार्तिक आर्यन और आमिर साहब को कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कार्तिक आर्यन की फिल्म इतना अच्छा कर रही है, आमिर साहब की क्यों नहीं? तो ये कुछ वजह सामने आई है दोस्तों। अब आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी बात हो जाएगी अगर आमिर साहब को लोगों ने इसी तरीके से बॉयकॉट किया। लेट्स सी दोस्तों, आपको क्या है कहना जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म भी दर्शकों को पसंद नहीं आई? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं, ख्याल रखें।